सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको गूगल पिक्सल 6a के बारे में बताने वाला जो कि 5G स्मार्टफोन है। और इसका लॉन्च जो है 25 अगस्त 2022 को मतलब होने वाला है, लेकिन इसका प्री ऑर्डर अभी से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो गया है। आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, अगर नीचे जो आपको लिंक दिख रही है वहाँ से क्लिक करके आप इससे स्पेसिफिकेशन और प्री ऑर्डर डायरेक्टली जान सकते हैं। लेकिन अभी जो वीडियो में बताने वाला हूँ थोड़ा अपने हिसाब से अपने बारे में बताने वाला हूँ सर अपने हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। अगर आप करीब 40,000 से 45,000 के आसपास इसका प्राइस है, अगर आप पे करते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सजेशन भी मैं आपको जरूर दूंगा। और चलिए इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन ये हमें 6 GB रैम और 128 GB में ही अवेलेबल है। इसमें और कोई वेरिएंट हमें अवेलेबल नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। लॉन्च होने के बाद भले कुछ दिनों बाद और ये लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे 12.2 MP प्लस 12 MP, मतलब वही 12-12 के आसपास मिल जाते हैं, लेकिन एक में 12.2 ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। दो कैमरा है रियर साइड पे, और फ्रंट साइड पे हमें एक 8 MP का कैमरा मिलता है। ये दोस्तों अभी जमाने में भी ये 8 MP का कैमरा यूज कर रहे हैं, ये डिसअपॉइंटेड बात है कैमरे के हिसाब से। ओवरऑल गूगल के स्मार्टफोन तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कैमरे में नो डाउट एक ऐसा स्मार्टफोन ये लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें 12 MP कैमरा है। आई मीन 48 तो भी देना चाहिए था, क्योंकि एप्पल भी अभी नए इसमें 48 ही देने वाला है। इस वजह से फ्रंट में भी अगर 12 कर देते तो हमें समझ में आता था, लेकिन इन्होंने फ्रंट में 8 MP कर दिए हैं। और अब बात करते हैं ये कैसी फ़ोटो, इसमें हमें हर चीज़ अवेलेबल है, स्लो मोशन वगैरह हर एक चीज़। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगा, उससे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। इतनी चीज़ अवेलेबल है कि मैं खुद इतना पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अब बात करते हैं इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्या मिलता है हमें। अगर हम रियर साइड मतलब बैक साइड के कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग बात करें, 4K में हमें 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी बात है 60 FPS तो दे रहे हैं कम से कम। और फ्रंट में हमें 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है, मतलब फुल एचडी और 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। ये गलत बात होगी इनकी तरफ से, इन्होंने सोचना चाहिए अगर हम प्राइस इतना ले रहे हैं तो कम से कम हम इन्हें 60 FPS तक का सपोर्ट दे सकते हैं फ्रंट में भी या फिर 4K तक का। ओवरऑल इन्होंने 8 MP कैमरा लगा के ही गलत कर दिया है, इन्हें और 12 MP का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कोई कम है नहीं। अब बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने अपनी तरफ से जो प्रोसेसर लगाया है, उनका खुद का गूगल का प्रोसेसर है, और उस प्रोसेसर का नाम है गूगल टेंसर। जी हाँ दोस्तों, गूगल टेंसर है। इसमें जो चिप लगी हुई है, इनके और भी कोई प्रोसेसर के नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है गूगल टेंसर। और यहाँ पे कुछ भी आजू बाजू में कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा जिससे कम ज़्यादा का पता लगाया जा सके। लेकिन गूगल ने यहाँ पे जो अपनी तरफ से बोला है, ये 888 मतलब जो स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है उसको टक्कर देने वाला ये प्रोसेसर है। और आप मान सकते हैं कि दोनों सेम प्रोसेसर है, बस ये वो स्नैपड्रैगन का है और ये गूगल का है। अब गूगल अपने स्मार्टफोन में इसलिए दे रहा है, उससे कई ऐसे एक्सेस मिल जाएंगे ज़्यादा के, जो कि अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकता है, अपने हिसाब से आपको अपडेट अवेलेबल करा सकता है, हर चीज़ मतलब वो गूगल के अंडर में आ जाएगी। ऐसे अगर थर्ड पार्टी का वो प्रोसेसर देता है आपको, तो उसमें कई सारे ऐसे नियम कानून रहते हैं, लिमिटेड ही काम हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे गूगल ने अपना टेंसर चिप यूज़ किया है, उसमें आपको फ़ायदे तो मिलेंगे ही, फ़ायदे ही है, नुकसान तो ओवरऑल है नहीं कुछ, क्योंकि वो चिपसेट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपको 888 प्रोसेसर वाला चिपसेट आसपास मिलता है, क्योंकि गूगल टेंसर मोस्ट पावरफुल है, 888 के लेवल का वो प्रोसेसर है, तो नो डाउट आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, और इसमें हमें मिल जाता है एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये नहीं निकला इन्होंने कितने दिन के लिए अपडेट देंगे, शायद ओवरऑल अब 4 साल के अपडेट तो मिलने ही वाले हैं, मान के चलिए 4 साल तक के अपडेट, मतलब एंड्रॉइड 12 है तो एंड्रॉइड 16 तक के आपको शायद अपडेट मिले। यहाँ पे हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें यहाँ पे 5G 4G 3G 2G तक का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मतलब ओवरऑल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर वाईफाई की बात करें, वाईफाई 6 हमें अवेलेबल है यहाँ पे, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन अवेलेबल है, मतलब सब लेटेस्ट है। और यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट है, प्लस GPS का भी सपोर्ट है, क्योंकि गूगल के कई ऐसे एक दो स्मार्टफोन हो सकते हैं जिसमें GPS कभी कभार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ हमें अवेलेबल है। और यहाँ पे हम सिम की बात करें तो डुअल सिम तो अवेलेबल ही है, बट हमें प्लस eSIM का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब और आप 3 SIM लगा सकते हैं, मतलब ये eSIM भी है और प्लस डुअल सिम भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे सारे सेंसर्स भी अवेलेबल है, नो डाउट काफ़ी अच्छी बात है, कम से कम सारे सेंसर में
तो दे रहे हैं और कोई कटौती नहीं की है। बस इसमें अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे मेन इसका डिस्प्ले आ जाता है, क्योंकि अगर ये इतना प्राइस ले रहे हैं तो डिस्प्ले भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे डिस्प्ले जो मिल जाता है हमें 6.14 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। आई होप इन्होंने AMOLED देना चाहिए था। देखो AMOLED और OLED बस 19 से 20 का फर्क है, नो डाउट। और जो पहले OLED डिस्प्ले आता था उसका जो अपग्रेड वर्जन निकाली इन्होंने AMOLED निकाल दिए, लेकिन कंपनी को AMOLED डिस्प्ले तो भी देना था। यहाँ पे हमें OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे हमें HDR का सपोर्ट मिल जाता है और भी, और हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। और गूगल का एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड वर्जन में हमें काफ़ी ज़्यादा इनहेंस और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें। अगर हम बैटरी की बात करें तो हमें 44411 मतलब 4411 mAh की बैटरी मिल जाती है। ये कम से कम 4500 mAh कर देते हैं, नो डाउट प्रीमियम स्मार्टफोन है तो 4000 तक तो चल ही जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग कितनी वॉट की दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हमें टाइप सी केबल मिल जाती है और टाइप सी केबल ही मिलती है। अगर हम बात करें इनके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है तो सिर्फ आपको स्मार्टफोन मिलेगा, एक डब्बा मिलेगा जिसके अंदर वो आया होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ केबल मिलने वाली है, नो डाउट। वो जो आपको चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं वो आपको 2.0 का सपोर्ट मिलता है। इवन यहाँ 3.0 का जमाना चल रहा है, ये 2.0 पे भी अटके हुए हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया हुआ है, इन्हें देना चाहिए था। बस ये प्रोसेसर ध्यान रखिएगा, इस लेवल का प्रोसेसर आपको 40,000 के आसपास मिल जाता है। इसका जो प्राइस है मैंने स्मार्टफोन का वो करीब 43,000 के आसपास आता है। तो नो डाउट यहाँ पे जो अगर गूगल को पसंद करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को पसंद करते हैं, तो जो गूगल का स्मार्टफोन ले सकते हैं। अब मेरा भी यही ओपिनियन है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी दी गई है वो M2 वाली सिक्योरिटी दी गई, मतलब लेटेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिक्योरिटी है। गूगल ने खुद अपनी बातों का यहाँ पे हम M2 टाइप की सिक्योरिटी दे रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन मानेंगे कि आपको और भी कई सारे ऐसे पावरफुल स्मार्टफोन हैं जो कि 40 के बजट में आते हैं, जो कि अभी IQ वगैरह ने लॉन्च किए हैं, कई ऐसे स्मार्टफोन और भी ब्रांड करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गूगल की बात आती है तो गूगल में कुछ और भी ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है और हर चीज़ गूगल की है। अगर आपको नया एक्सपीरियंस चाहिए, आप ये Xiaomi चला के थक चुके हैं, नया कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप गूगल के स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ अच्छी मिल रही है। बस वो कैमरे का है, जो हमें फ्रंट कैमरा मिलता है वो 8 MP। आई होप जब स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, अगर उसके आप चेक करेंगे जो रिव्यू होगा अच्छे से, तब आप चेक करेंगे तो कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं है, क्योंकि कैमरे भी काफ़ी पावरफुल बना देते हैं। 8 MP 12 MP भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने मेन कैमरा जो दिए है 12.2 MP का, कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीज हुआ होगा तभी वो 12.2 का सपोर्ट उसमें मिला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।